हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने प्लांट खरीदे थे उनको गमलों में लगाने जा रही हूँ मैं आज। और ये देखो, ये मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ इनके लिए। ये देखो, ये हल्दियाँ थी कुछ पड़ी हुई, वो भी डाल दी। और ये जो सुखा के वेजिटेबल के छिलके वगैरह थे ना, वो मैंने पीस के रखे थे। और ये वर्मी कंपोस्ट है जो मैंने घर में ही तैयार किया हुआ है। और गोबर की खाद भी डाल दी है, मिट्टी। ये सही, ये हल्दी है जो ख़राब हो गई थी, सूखी हल्दी होती है, वो मैंने इसी में डाल दिया। एंटीबायोटिक का काम करती है ना हल्दी, तो ये मिट्टी मिक्स कर रही हूँ मैं गमलों के लिए, मिट्टी तैयार कर रही हूँ। ये देखो कितनी अच्छी सोयल मिक्सचर बन गया है अब ये। और इसमें ना हम प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेंगे। और इसमें कुछ फिर दोबारा खाद या कुछ अलग से स्प्रे वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं एक बार ही मिक्स करके लगा देती हूँ सारे पौधों में, तो दोबारा खाद नहीं डालनी पड़ती। तो अब पूरे सीज़न फ्लावरिंग करेंगे प्लांट्स, खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी उनमें। बाकी उनका ध्यान तो रखना ही पड़ता है पानी का, कि भाई कम पानी डालना है, पानी देख के देना चाहिए। मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी देना चाहिए सर्दियों के प्लांट में, नहीं तो वो मर जाते हैं प्लांट। ये देखो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और एक ही स्पॉट में लगाऊंगी मैं। और एक ये बकेट है मॉप वाली, इसमें भी मैं आज प्लांट ही लगाऊंगी। तो वेस्ट चीज़ें भी नहीं फेंकनी चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बकेट है, जैसे ये खरीद के लाते हैं ना गमले उसी टाइप की। और ये गुलदावदी मैं बकेट में लगाऊंगी, तीन तरह की गुलदावदी हैं, ये मैरून कलर की है, एक येलो और एक वाइट। तो ये तीनों गुलदावदी इसमें आ जाएंगी, और ये बकेट बहुत ही अच्छी लगेगी इसमें लगने के बाद भी। मैं आपको दिखाऊंगी लगाने के बाद कैसी लगती है, बहुत ही अच्छी है। ये नीचे से जो थोड़ा मोटा मोटा होता है ना पत्थर डाल दिए हैं मैंने कुछ नीचे, और ये सूखे पत्ते डाल दिए हैं। और मिट्टी में भी जो थोड़ी मोटे मोटे खाद के टुकड़े होते हैं मैं वो नीचे डाल देती हूँ, जिससे पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से बना रहता है। और अब ये मिक्सचर जो तैयार किया था मिट्टी का, इसको डाल देंगे इसमें, फिर इसमें प्लांट लगाएंगे। गुलदावदी का प्लांट वैसे बच जाता है गर्मियों में भी, जल्दी से मरता नहीं है। ये देखो ये वाली व्हाइट वाली गुलदावदी है, एक ये वाइट वाली है, एक ये मैरून कलर की जो है। थोड़ी सी मैंने इनकी मिट्टी ना हटा दी है जड़ों से, ऐसे कैसे ही नहीं लगाई मैंने। और 2-3 दिन इनको घर पे लाए हुए भी हो गया है, तो आज मैं इनको पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखो ये येलो वाली है, येलो वाली पे तो बहुत सारी कलियाँ हैं, तीनों पे ही कलियाँ खूब भर भर के आई हुई हैं। और अब ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगी, क्योंकि ये पॉली बैग में पता नहीं कब से पैक होके करके रखते हैं ये नर्सरी वाले। तो ये देखो अब इनकी जड़ें ऐसे खुल गई है ना, तो इनको भी फैलने के लिए जगह मिल जाएगी अच्छे से। ये देखो ये तीनों मैंने इसमें लगा दी हैं, ये अच्छे से चल जाएंगी इसमें तीनों, क्योंकि तो बकेट काफ़ी गहरी भी है और लंबाई भी सही है, जैसे किश्ती वाले गमले नहीं आते उस टाइप की है ये बकेट। अब इसमें मिट्टी डाल दूंगी मैं, इनको इसमें सेट कर देंगे। और जो मैंने छिलके सुखा के पीसे हुए थे उससे मिट्टी भी वैसी रहती है, जैसे चिकनी मिट्टी जम जाती है, या उस टाइप की तो मिट्टी नहीं है, रेतीली मिट्टी है, लेकिन सारी मैंने उसमें चीज़ें ऐसी मिक्स की हैं जिससे कि मिट्टी बहुत अच्छी बन गई है। वो वर्मी कंपोस्ट डाल के, और उसमें खाद की भी जरूरत नहीं है, वैसे मैंने मिला दी है, गोबर खाद भी डाली है। ये देखो तीनों मैंने लगा दिए हैं, और बकेट भर गई है इन तीनों से, कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी तो ये फूल नहीं खिले हैं, कलियाँ हैं इन पे, जब फूल खिलेंगे तब तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब इस गमले में लगा देती हूँ, इसमें मैं पेटूनिया लगाऊंगी। इसमें भी नीचे मैंने थोड़े मोटी मोटी डाल दी थी खाद पहले, खाद के जो टुकड़े होते हैं वो। अब ये डाल दूंगी मैं इसमें, ये देखो अब इसमें भी मैं पेटूनिया लगा दूंगी। ये पिंक वाला है, पिंक कलर का जो पेटूनिया है ये वो वाला है, ये पर्पल वाला है, बड़ा प्यारा सा कलर है। इसमें भी लाइट और डार्क दो शेड में है ये, तो इसमें दो ही पेटूनिया लगाऊंगी मैं। इनकी भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे से हटा दूंगी जड़ों में से, ताकि अच्छे से ग्रो हो सके, फैलने को भी जगह चाहिए ना इनको। ये देखो कितने प्यारे कलर है ना इनके, बहुत सुंदर लग रहे हैं। फ्लावर भी खूब सारे हैं इस पे, तो बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं।
बहुत ही सुंदर लगते हैं पेटूनिया, और सर्दियों में तो बहुत ही सुंदर फ्लावर लगते हैं। जब इनके फ्लावर खिलते हैं ना, इतने बड़े बड़े फ्लावर आते हैं और भर जाती है, कोई भी बास्केट में लगा दो, हैंगिंग वाले में तो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये हैंगिंग वाले ही गमले हैं मेरे, लेकिन ये वैसे ग्रिल पे जैसे टांग देते हैं ना, उस टाइप के हैं, चैन वाले नहीं हैं। किसी में भी लगा दो, हैंगिंग वाले में तो बहुत अच्छे से चलते हैं और सुंदर भी बहुत लगते हैं पेटूनिया के प्लांट। तो इनके कलर बहुत आते हैं, बहुत सारे शेड आते हैं, अब तो डबल पेटल वाले भी आ रहे हैं, वो नहीं लाए मैं, सिंगल पेटल में ही है, लेकिन इनके कलर बहुत सुंदर सुंदर थे तो मैंने यही ले लिए। और ये एक प्लांट पता नहीं कैसे निकला हुआ था, ऊपर ही रखा हुआ था, ये नर्सरी वाले भी ना ऐसे ही दे देते हैं बस, ये थोड़ा मुरझा सी गया, मैंने इसको भी इसी में लगा दिया, बीच में ये भी चल जाएगा। ये भी पर्पल कलर का है, डार्क पर्पल, और इसकी किनारी है ना वाइट कलर की है, तो इसमें तीन लगा दिए हैं, तीनों चल जाएंगे इसमें आराम से, क्योंकि इनको इतनी जगह भी नहीं चाहिए होती है कि बड़े गमले में ही चलेंगे, तो छोटे से गमले में भी लगा दो ना, उसमें भी लग जाते हैं, और कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। एक ये गमला है, इसमें मैंने ये स्नेक प्लांट की पत्तियां लगा रखी थी काट के, ये देखो इसमें एक न्यू प्लांट निकल आया है, और जड़े भी ये देखो है ना, और देखो कितनी रूट्स आ रखी हैं इसमें, दोनों पत्तियों में रूट्स आ रखी हैं, ये तो बहुत इजी ग्रो होने वाला प्लांट है। अब ये मिट्टी भी मैं इसी में मिक्स कर लूँगी, फिर इनको भी इसी गमले में लगा दूँगी पेटूनिया लगाने के बाद। ये देखो दोनों पत्तियाँ, इनकी तो छोटी सी पत्तियाँ भी लगा दो ना, वहीं पे प्लांट से निकल आते हैं, ये भी बहुत अच्छे प्लांट हैं। अब इस वाले गमले में भी मैं पेटूनिया लगा दूँगी, ये देखो इसमें भी लगा रही हूँ मैं, 6-7 प्लांट लिए हैं मैंने पेटूनिया के, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर हैं सबके, अलग अलग कलर हैं, और अभी इनका सीज़न भी है तो अच्छे लगते हैं फ्लावर खिले हुए, खूब सारे फ्लावर खिलते हैं इन पे, और गिलहरियों से बचा के रखना पड़ता है, गिलहरियाँ तो छोड़ती नहीं हैं। और ये किए वाला तो बहुत ही प्यारा कलर है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वेलवेट का फूल बना के ना इस पर लगा दिया है, इतने सुंदर सुंदर कलर के हैं ये पेटूनिया, इसलिए मैंने इनको अब इसमें शिफ्ट कर दिया है, इसमें दो ही लगाए हैं। इनकी कटिंग से भी बहुत इजी ग्रो हो जाते हैं, मैंने इनकी कटिंग पानी में भी डाली थी, उसमें भी रूट्स आ गई हैं 4-5 दिन में ही, तो ये भी बहुत इजी टू ग्रो होने वाले प्लांट है, लेकिन ये सिर्फ सर्दियों के ही प्लांट हैं, गर्मियों में ये प्लांट नहीं चलते हैं बिल्कुल भी, और इनकी केयर भी इतनी नहीं करनी पड़ती, बस पानी का ध्यान रखना होता है और गिलहरियों से बचाना पड़ता है, गिलहरियाँ नहीं छोड़ती हैं छत पे, फूल के साथ साथ टहनियाँ भी काट देती हैं वो इनकी, आज तो ये बच जाएंगे लेकिन कल से तो इन पे अटैक हो ही जाएगा शुरू गिलहरियों का, छत पे इतनी गिलहरियाँ रहती हैं, कुछ भी लगाओ। ये वाले देखो, ये वाले स्नेक के जो पत्तियाँ हैं ना, मैं इसी में लगा दूंगी, जब ये थोड़ी बड़े हो जाएंगे, नए नए इसमें प्लांट निकल आएंगे, तब दूसरे गमलों में शिफ्ट कर दूंगी मैं इनको, और पेटूनिया तो जब तक चलेंगे जब तक इसमें रहेंगे ही, मार्च तक तो चल ही जाते हैं, उसके बाद ही मरते हैं पेटूनिया के प्लांट, इससे पहले तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, फ्लावर भी खूब आते हैं इन पे। और लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैं सारे प्लांट्स में डालती हूँ, इनमें भी मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, मुझे 15-15 दिन में डालती रहती हूँ, तो इनको प्रोटीन कैल्शियम जो भी ज़रूरत होती है वो मिलता रहता है, तो सब कुछ मिलता है, तभी तो फ्लावरिंग करेंगे, तभी तो इन पे रूट्स प्लांट्स अच्छे फैलते हैं, खूब अच्छे से फूल खिलते हैं इनके। और ये देखो एक मटकी में मैंने ये स्पाइडर लगा रखा है, ये कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया इसको लगे हुए, इस पर पेंट किया था मैंने, पेंट तो भद्दा हो गया है, लेकिन ये स्पाइडर बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें बेबी पप्स भी निकले हैं, ये देखो कैसे लटके हुए हैं चारों तरफ इसके, इनसे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, इनको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये छोटे छोटे प्लांट हैं, इन्हीं को लगा दो मिट्टी में, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। और ये मोन्स्टेरा का प्लांट है, इसको भी मैं आज रिपोर्ट कर रही हूँ बड़े वाले गमले में, इसकी रूट बाउंड हो गई है, गमला भर गया है इसकी रूट से, तो इसको भी मैं इसमें से निकाल के दूसरे पॉट में लगाऊंगी, लगा नहीं था इतनी आसानी से निकल जाएगा ये, पर निकल गया आराम से, क्योंकि मिट्टी तो इसमें इतनी है नहीं,
और रूट से भर गया है गमला। अब थोड़ी थोड़ी मैं झाड़ दूंगी इसकी मिट्टी साइड से, ताकि इसकी रूट्स को थोड़ी जगह मिले फैलने के लिए। ये देखो कैसे इसकी रूट बाउंड हो रखी हैं, कितनी रूट से भर गया है मिट्टी भी। ये देखो कितनी मोटी मोटी जड़ें हो रखी हैं इसकी। और ये वाला बड़ा गमला है, मैं इसमें लगा दूंगी। इसमें मैंने नीचे सूखे पत्ते और पत्थर डाले हैं, उसके बाद मैं मिट्टी डाल रही हूँ इसमें। ढक्कन भी साथ में आ गया मिट्टी के। अब मैं इसमें मिट्टी भर के ना इसको इसमें शिफ्ट कर दूंगी, तो इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। नहीं तो ये भी ऐसे ही इसमें एक एक पत्तियाँ बड़ी मुश्किल से आ रही थी। ये देखो ये मैंने इसमें रख दिया है, इतने बड़े गमले में भी कुछ टाइम ही चलेगा, पर ये है 1-2 साल तो चल ही जाएगा, उसके बाद ही चेंज करना पड़ेगा। अब तो इसका गमला तब तक तो चल जाएगा। इसकी रूट्स देखो कितनी मोटी मोटी हो गई है ना, दिख रही होंगी आपको वीडियो में। और इसकी पत्तियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इसकी पत्तियाँ थोड़ी जल सी गई हैं, ऊपर रखा हुआ है ना ये ठंड में, तो इसको ना मैं नीचे बालकनी में रखूँगी, तब इसमें नई नई पत्तियाँ आएंगी सुंदर सुंदर। अभी तो छत पे ऐसे ही हो रहा है, कुछ छत पे यहाँ पे घर पे पेंट का भी काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी प्लांट थोड़े ऐसे ही हो रखे हैं, ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं इन प्लांट पे। पर आज मैंने सोचा कि इसको भी शिफ्ट कर ही देती हूँ इनके साथ साथ, ये भी काफ़ी टाइम से, क्योंकि पत्तियाँ भी नहीं निकल रही थी इसमें, इसकी रूट बाउंड इतनी हो गई, इतनी मोटी मोटी जड़ें हो रखी हैं। ये देखो कैसी हो रखी हैं इसकी पत्तियाँ, क्योंकि इनको भी ग्रो करने के लिए प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है ना। अब इनको कुछ मिलता है नहीं, रूट बाउंड हो गई उसमें, तो ये पत्तियाँ कहाँ से आएंगी नई नई। और जो पत्तियाँ हैं वो भी भद्दी हो जाती हैं, सूखने लगती हैं, फिर नई पत्तियाँ तो तब आएंगी। ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, ऐसे ही फैला हुआ है। इसको भी इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। ये भी बहुत सुंदर प्लांट लगता है, और कटिंग से ग्रो हो जाता है ये भी। एक बार ले आओ, बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है, फिर कटिंग से आप खूब सारे प्लांट बना सकते हैं। और मनी प्लांट की जैसे ही ये चलता है बस इसको। और ये देखो आसमान में बगुले जा रहे हैं लाइन बना के, कितने सुंदर लग रहे हैं। मॉइस्चर को ज़्यादा मॉइस्चर पसंद है, बरसात के टाइम पे तो बहुत अच्छे हो जाता है ये। पत्तियाँ भी बहुत अच्छी निकलती हैं इसमें, ग्रीन ग्रीन कलर की। ये देखो कितनी बड़ी पत्ती है इसकी, मेरे हाथ से भी बड़ी है। ये नई पत्तियाँ हैं इसकी, जो नई पत्तियाँ आई थी। अब मैं इनमें पानी डाल दूँगी, आज पानी डालूँगी। अब तो मैं जब इनकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी ना तभी पानी डालूँगी, क्योंकि आज से मिट लगाया है इनको, तो एक बार अच्छे से पानी डाल दो, उसके बाद तो फिर तभी देना होता है। जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट होती है ना उतना ही पानी डालना होता है, ऐसे नहीं है। और ये मनी प्लांट भी देखो कितनी गंदी हो रखी है, सारे प्लांट्स बहुत गंदे हो रखे हैं मेरे, क्योंकि घर में काम चल रहा है तो ध्यान नहीं दे पा रही मैं इन पे। इनको भी फिर सबको साफ करके शिफ्ट कर दूंगी। देखो इनमें पानी डाल दिया, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और मनी प्लांट में भी डाल देती थोड़ा। और ये देखो सारे प्लांट कैसे हो रखे हैं, धूल मिट्टी सब ऐसी डस्ट इन पे लगी हुई है ना। और फिर इनको धो के साफ करके ना तब इनको सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे दोबारा। अभी तो सारे इकट्ठे एक जगह ही रखे हुए हैं, क्योंकि काम चल रहा है इधर से उधर इधर से उधर, सामान ऐसे ही हो रखा है। बस प्लांट भी ऐसे ही हैं, जो इंडोर हैं वो भी बाहर निकाल रखे हैं, सारे प्लांट एक जगह इकट्ठे किए हुए हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताना। टेक केयर एंड बाय बाय।